असल दोस्तों ये है एन मशीन आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं दोस्तों दोस्तों ये है लेंजोस्कोप और लेंजो ब्रेड इन में इन साइज होते हैं ब्रेडों में नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री और एडल्ट में नंबर टू नंबर थ्री यूज़ हो जाता है बच्चों में वन टू डेड तरह तरह के नंबर होते हैं दोस्तों लेंजो स्कोप और ब्रेड इसमें अटैच किया हुआ है दोस्तों ये इस तरह वर्क करता है इंटेशन करने के लिए ट्यूब वगैरह पास करने के लिए ई डी ट्यूब ये उस हिसाब से यूज़ किया जाता है दोस्तों ये दोस्तों रेपोराइजर है मशीन है चैम्बर है ये इसमें हेलोथिन डली हुई है दोस्तों ये इसका मेन किरदार है ऑपरेशन में ये ऑक्सीजन गेज है ये कितने लीटर तक पेशेंट को ऑक्सीजन की नहीं डेट तो वो एडजस्ट हो जाता है दोस्तों तो शो हो जाता है और ये दोस्तों वेंट मशीन है यहाँ से हमने ऑन किया है दोस्तों वेंट मशीन को ये ऑन हो रही है दोस्तों ये ऑन वेंट मशीन सर ऑन हो गई है दोस्तों देखें इसमें ये है कि रेट हमें दस रखना पड़ता है बड़ों में और टाइटल वॉल्यूम जो है दोस्तों सिक्स हंड्रेड एडल्ट में सिक्स हंड्रेड और बच्चों में कम से कम साढ़े तीन सौ चार सौ मैक्ममम मेरे ख्याल से यही होता है दोस्तों यहाँ तो हमारा तजुर्बा है और ये वेंट बैलून है दोस्तों वेंट ऑन करेंगे तो बैलून मूव करेगा यहाँ टाइटल रखना पड़ेगा और दोस्तों ये ई टी ट्यूब है ई टी ट्यूब अलग साइज होते हैं नंबर सिक्स नंबर फोर नंबर थ्री नंबर टू नंबर एट तक है एट पॉइंट फाइव भी है तरह तरह के हैं दोस्तों ये ई टी ट्यूब मस्ट इंटूबेशन के लिए ज़रूरी है इस्तेमाल होते हैं दोस्तों और ये है मॉनिटर ऑपरेशन में मॉनिटर का बेस्ट किरदार है दोस्तों मॉनिटर ना हो तो ऑपरेशन बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ई सी जी सूचुरेशन पल्स हमें तीनों चीज़ें चाहिए होती तो ये मॉनिटर जो हमें तीनों चीज़ें प्रोवाइड कर रहा होता है ई भी पल्स भी और सुचरेशन भी और तीनों चीज़ें शो होंगी तो ऑपरेशन सक्सेस जाएगा पता चलता रहेगा पेशेंट की कंडीशन क्या है क्या हो रही है पल्स कितनी है सचोरेशन कितनी है ई सी जी जा रही है सारा इस पर डिपेंड है दोस्तों मॉनिटर का मेन किरदार है ऑपरेशन में देखें दोस्तों